गोवा के मशहूर फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स का निधन हो गया है। वो 59 साल के थे। वेंडल का मृत शरीर उनके गोवा के घर में ही मिला है। वो एक फैशन डिजाइनर के साथ ही लेखक, पर्यावरण एक्टिविस्ट और गे राइट्स पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने साल 2003 में अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ की विवादित फिल्म बूम में कैमियो रोल प्ले किया था। उन्होंने इसके अलावा साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म फैशन में अपने आप के कैरेक्टर को प्ले किया था। रॉड्रिक्स का जन्म 28 मई 1960 को हुआ था। वो गोवा के कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लैक्मे कॉस्मेटिक, गार्डन वरेली और डिबियर्स के लिए डिजाइनिंग से की थी। वे होमोसेक्सुअल थे और उन्होंने साल 2002 में पेरिस में जेरोम मारेल्स के साथ शादी रचाई थी। वेंडल कुछ समय पहले ग्रैमी अवार्ड्स में प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस पर अपने कमेंट के चलते भी काफी ट्रोल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में सफाई भी दी थी। वेंडल को कुनबी साड़ी को अपने डिजाइन के साथ नए कलेवर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। इन साड़ियों को गोवा की आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।